का नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नंबर नंबर तीन। ओके, तो देखिए हमारे पास इस नंबर तीन चैप्टर में, तो इसमें सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे विद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रिवाइज कर रहा हूं मैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत रसायन। बात आती है कि दोनों ऊर्जाएं हैं कैसे, मैंने एक नाम क्या लिखा है रासायनिक ऊर्जा और एक नाम मैंने क्या लिखा है विद्युत ऊर्जा। इन प्रक्रम का अध्ययन जिस शाखा में होता है रसायन विज्ञान की, उस शाखा का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, अब देखिए रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, दो शब्द आए हमारे पास। जो भी कोई पदार्थ होता है, प्रत्येक जो क्या है, कोई ना कोई पदार्थ, प्रत्येक जो क्या है, पदार्थ है, वो अपने आप में एक रासायनिक ऊर्जा होती है। प्रत्येक पदार्थ अपने आप में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा। जैसे कॉपर सल्फेट है तो अपने आप में एक पदार्थ है, तो एक प्रकार से वो कैसी ऊर्जा कहलाएगा, रासायनिक ऊर्जा। रोटी हमारे पास, रोटी किसमें आती है, रासायनिक ऊर्जा। तो कोई भी जो पदार्थ है वो अपने आप में क्या होता है, एक रासायनिक ऊर्जा। उस पदार्थ से मतलब किससे, रासायनिक ऊर्जा से क्या प्राप्त करना, विद्युत ऊर्जा, धारा, करंट, और विद्युत ऊर्जा से क्या प्राप्त करना, पदार्थ। क्लियर है, दोनों ही चेंज किसमें आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएंगे, विद्युत रसायन में आएंगे। तो पदार्थ से क्या प्राप्त करना, विद्युत धारा, और विद्युत धारा से क्या बनाना, पदार्थ बनाना, ये दोनों क्या कहलाएंगे, विद्युत रसायन। ओके, देखिए धारा प्रवाहित करके अपन पदार्थ बना सकते हैं और पदार्थ से हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं, तो ये दोनों प्रक्रम जो है वो विद्युत रसायन के अंतर्गत आते हैं। तो ये विद्युत रसायन की परिभाषा थी। इसके जस्ट बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चालक तथा अचालक, चालक तथा अचालक पदार्थ, कंडक्टर और इनहिबिटर भी कह सकते हैं। तो देखिए चालक किसको कहेंगे, वे पदार्थ, चालक को मैं क्या कह सकता हूं, वे पदार्थ जो धारा का प्रवाह करते हैं, जो क्या करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ। जिनमें धारा प्रवाहित हो सकती है, जिनमें से धारा का प्रवाह संभव होता है, वो क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ। तो जिनमें धारा का प्रवाह संभव होता है वो तो क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ। अचालक इसको कहेंगे, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह पॉसिबल नहीं होता, जो धारा का प्रवाह नहीं करते, जिनमें से धारा नहीं प्रवाहित हो सकती, वो क्या कहलाएंगे, वो ये अचालक पदार्थ। ओके, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, ये सब क्या है, ये अचालक पदार्थ है, चालकों में। एग्जाम्पल की बात करें तो धातुएं जैसे चांदी, कॉपर, जिंक, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक विशिष्ट कंडीशन में धारा का प्रवाह कर सकते हैं। निम्न ताप पर वो कुचालक होते हैं, अचालक होते हैं, और ताप बढ़ा दिया जाता है या कोई अशुद्धि मिला दी जाती है तो वे चालक हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को मैं क्या नाम दूंगा,
अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। तो कुल मिलाकर हमारे पास दो प्रकार के पदार्थ हैं, चालक पदार्थ और अचालक पदार्थ, जिनमें धारा का प्रवाह संभव है, जो धारा का प्रवाह कर सकते हैं, जिनमें धारा प्रवाहित हो सकती है वो तो चालक है, और जो धारा का या करंट का फ्लो नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, अचालक पदार्थ। ओके, ये चालक और अचालक की मैंने परिभाषा आप लोगों को बताई है। अब हम विशेषकर चालकों को पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा चालकों का वर्गीकरण, चालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स। चालकों के वर्गीकरण में हमारे पास दो प्रकार के पार्ट्स प्राप्त होते हैं, दो भाग होते हैं इनके। फर्स्ट हमारे पास है धात्विक चालक, या जिसका नाम क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चालक। फर्स्ट हमारा भाग क्या है, चालक दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक बोलो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक चालक बोलो, और सेकंड हमारा पोर्शन है वो है आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक। दो प्रकार के चालक हैं, धात्विक चालक बोलो इलेक्ट्रॉनिक चालक बोलो, आयनिक चालक बोलिए या विद्युत अपघटनी चालक बोलिए। ये किसका वर्गीकरण है, ये है चालक पदार्थों का वर्गीकरण दो प्रकार से, धात्विक चालक और आयनिक चालक। ये नाम क्यों पड़े हैं, इनका डिवाइडेशन समझ लिया। देखिए धात्विक चालकों का मतलब क्या होता है, धात्विक चालकों में जो एग्जाम्पल है वो क्या आती है, धातु है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है। इस प्रकार की चालक में एग्जाम्पल किसके हैं, धातुओं के, एग्जाम्पल किसके हैं, धातुओं के। और धातु है इसमें नाम क्या रख दिया, धात्विक चालक। धातुएं धारा का प्रवाह करती है, करंट का फ्लो करती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, धात्विक चालक। ये धातुएं हैं, ये नाम क्यों पड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक क्यों कहते हैं, क्योंकि धातुएं जब भी धारा का प्रवाह करती है, जब उनमें करंट का फ्लो होता है, वो किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। धातुएं इलेक्ट्रॉन के माध्यम से करंट का क्या करती है, फ्लो करती है, धारा का प्रवाह करती है, इसलिए धात्विक चालकों का दूसरा नाम क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक चालक। ओके, कॉपर, जिंक, सिल्वर। फिर दूसरा है आयनिक चालक, वे चालक पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से होता है, उनको क्या कहते हैं, आयनिक चालक। चूंकि किसी पदार्थ के आयन कब बनते हैं, जब उसका वियोजन होता है, जब उसका क्या होता है, वियोजन होता है, उसमें अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका वियोजन होता है, उस वियोजन को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन बोलते हैं। तो विद्युत अपघटन के द्वारा उसमें आयन बनेंगे, आयनों के द्वारा क्या बन पाएगी, उसमें धारा प्रवाहित होगी, इसलिए क्या नाम निकाल दिया, विद्युत अपघटनी चालक। वे चालक पदार्थ जो विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा आयन बनाते हैं और आयनों के थ्रू धारा का प्रवाह करते हैं, क्या कहलाएंगे, आयनिक चालक। तो दो प्रकार के चालक पदार्थ हो गए हैं, फर्स्ट था धात्विक चालक, दूसरा क्या है, आयनिक चालक। ओके, नाम क्यों पड़े हैं, वही मैंने आपको बता दिया है। धात्विक चालक क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि इनमें एग्जाम्पल जो है वो धातुएं हैं, और धातुएं जो हैं वो धारा का प्रवाह किसके द्वारा करती है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू करती है, इसलिए नाम क्या निकाल दिया कि धात्विक चालकों को हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कह सकते हैं। दूसरा नाम है आयनिक चालक। आयनिक चालक नाम क्यों है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लू NaCl, अब वो चाहे ऐसी अवस्था में हो, गलित हो, गलावा हो, संगलित हो, या फिर विलयन प्रावस्था में हो। विलयन प्रावस्था का मतलब कैसा विलयन,
जलीय भी है। तो वे पदार्थ जो गलित अवस्था में या जलीय विलीन प्रावस्था में टूट जाते हैं, किसमें टूटेंगे, ये गलकर या जल में घुलकर क्या बनाएंगे, आयन Na प्लस Cl माइनस, और ये आयन जो है वो धारा का प्रवाह करेंगे। इसलिए ऐसे चालक पदार्थों को क्या नाम निकाल दिया, आयनी चालक, जिनमें आयनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। और ये आयन किसके द्वारा बनते हैं, क्या होता है उस पदार्थ में, विद्युत द्वारा अपघटन किया जाता है, इसलिए नाम क्या निकाल दिया, विद्युत अपघटनी चालक। देखिए जो धातुओं की चालकता है, जो धातुओं की क्या है चालकता, वो चालकता किस पर निर्भर करती है, एक तो उस धातु की संरचना पर, उस धातु की संरचना पर, धातु के इलेक्ट्रॉन घनत्व पर, ताप पर और प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। आपसे हम पूछ सकते हैं कि धात्विक चालकों की चालकता किन कारकों पर निर्भर करती है, मतलब धातु में धारा का प्रवाह होना किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो किन कारकों पर निर्भर करता है, उस धातु की संरचना पर, उस धातु के इलेक्ट्रॉन घनत्व पर, उस धातु के ताप पर और प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ठीक है, ये चार कारक हैं जिन पर धातुओं की चालकता निर्भर करती है। इसी तरह मैं एक बात करूं किसकी, आयनिक चालकता की, जो कैसे चालक है, आयनिक चालक है, उन चालकों की यदि बात करूं तो आयनों की चालकता जो है वो आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। आयनिक चालकता किस पर निर्भर करती है, आयनों की संख्या पर, जितने ज्यादा आयन होंगे उतने ज्यादा ही उस चालक की क्या होगी, चालकता होगी। ओके, तो सेकंड ऑप्शन में पढ़ूंगा आयनिक चालकता, जो कैसे चालक हैं आयनिक चालक, इनमें धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। आयन कब बनेंगे, जब वो गलित अवस्था में होंगे, मतलब उनको गलाएंगे या उनमें जल मिलाएंगे, तो वे पदार्थ अपने आयनों में टूट जाते हैं। ये पदार्थ ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करते। एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो आयनिक चालक होते हैं वो ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं कि जो आयनिक चालक हैं, जिनको मैंने आयनिक चालक बोला है, आयनिक चालक बोलने का मतलब क्या हुआ, कि वे पदार्थ जो आयनों द्वारा धारा का प्रवाह करते हैं। आयन कैसे बनेंगे, जब उनको गलाएंगे, मतलब गलित अवस्था में होंगे या वो जलीय विलयन में होंगे, उनमें जल मिलाएंगे तब। यदि जल नहीं मिलाया है, गलाया नहीं है, तो वे पदार्थ कभी भी धारा का प्रवाह नहीं करेंगे, मतलब कैसी अवस्था में रहेंगे, कुचालक। मैं इसका एक एग्जांपल आपके सामने दे सकता हूं, एक आपके पास NaCl है जो कैसी अवस्था में है, ठोस अवस्था में, एक आपके पास NaCl है वो गला हुआ है, गलित NaCl है, और एक आपके पास NaCl प्लस जल है, विलयन प्रावस्था है, कौन धारा का प्रवाह करेगा। देखिए
यदि नमक गला हुआ है तो भी उसमें आयन बन जाएंगे, Na+ Cl- आयन बन जाएंगे उसमें, तो वो धारा का प्रवाह करेगा। जब वो जल में मिलाएंगे उसको तो भी Na+ और Cl- तो भी उसमें क्या बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे। लेकिन जो NaCl कैसा है, ठोस, ठोस NaCl के आयन नहीं बनेंगे, और आयन नहीं बनेंगे तो वो धारा का प्रवाह नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, NaCl ऐसी अवस्था में ही आयनी चालक है, वो गलित अवस्था में आयनी चालक है, वो जलीय विलयन में आयनी चालक है, लेकिन वो ठोस अवस्था में आयनी चालक नहीं है, वो धारा का प्रवाह नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ठोस अवस्था में आयन प्राप्त नहीं होते। ओके, तो सभी बातें मिलाकर मैं आपको दोनों ही चालकों में अंतर का प्रश्न बना सकता हूं। इसको अपन ऐसे पढ़ लें कि धात्विक चालकों में और इलेक्ट्रॉनिक चालकों में क्या मेजर डिफरेंस है, इसको अपन अंतर के रूप में पढ़ लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा धात्विक चालक, ये तो क्या हो जाएगा, धात्विक चालक। और ये हो जाएगा विद्युत अपघटनी चालक, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक, दोनों में क्या अंतर है। पहला अंतर मैं बता चुका हूं आपको, जो कैसे चालक होते हैं धात्विक चालक, उनमें धारा का प्रवाह किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक है। विद्युत अपघटनी चालकों में आयनों द्वारा धारा का प्रवाह, आयनों के द्वारा धारा का प्रवाह। दूसरा फर्क देखो, जब आप धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह करेंगे तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, देखिए दो प्रकार के परिवर्तन आप लोगों ने पढ़े हैं 10th क्लास में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, भौतिक गुण का मतलब रंग, आकार, अवस्था, गंध, गलनांक, पथनांक में भी चेंज हो रहा है, तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है, कि वो पदार्थ में वापस नहीं मिले, वो दूसरा ही पदार्थ बन जाए, ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जब आप धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह करते हैं तो उस चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन हो सकता है, उसका रंग काला पड़ सकता है, उसकी अवस्था चेंज हो सकती है, पर वो पदार्थ वही रहेगा। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई लोहे की छड़ है, ये लोहे की छड़ है, ये कैसा चालक हुआ, ये धात्विक चालक हुआ। इस लोहे की छड़ में आपने करंट का फ्लो किया, धारा, करंट का प्रवाहित किया, धारा प्रवाहित की, तो क्या इस लोहे की छड़ में धारा प्रवाहित होने के बाद लोहे की छड़ सोने की छड़ बन जाएगी या चांदी की छड़ बन जाएगी, कुछ नहीं होगा, पिघल सकती है, रंग फीका पड़ सकता है, वो एक अलग चीज है। भौतिक गुण चेंज हो सकता है इस लोहे की छड़ का, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, ये लोहा लोहा ही रहेगा जब इसमें धारा का प्रवाहित प्रवाह होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या, धात्विक चालकों में धारा प्रवाह के कारण कैसा परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, धारा प्रवाह के कारण कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विद्युत अपघटनी चालकों में हो जाता है। जब आप सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर धारा का प्रवाहित करते हैं, धारा को प्रवाह करते हैं, तो कैथोड पर सोडियम जमा हो जाता है, एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है, और NaCl NaCl नहीं रहता है वहां, वो काम में आ जाता है। तो मैं क्या कहूंगा कि यदि आपने विद्युत अपघटनी चालकों में धारा का प्रवाह किया तो उसमें कैसे परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें, जो किसमें नहीं होते, धात्विक चालकों में नहीं होते।
गति नहीं करता है, पदार्थ गति नहीं करता, उसके परमाणु गति नहीं करते, लेकिन इसमें पढ़ सकते हैं, इसी का सब टॉपिक पढ़ सकते हैं कि विद्युत अपघटनी चालकों में, आयनिक चालकों में जब धारा का प्रवाह होता है तो पदार्थ गति करता है, परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मैंने कहा था NaCl को जब आप जल में घोलते हैं तो Na+Cl- बनता है, Na गति करके कैथोड की तरफ जाता है Na+, और Cl- गति करके एनोड की तरफ आता है, तो उसमें पदार्थ गति करता है। इसमें पदार्थ की क्या करते हैं, गति जो है वो गति करते हैं। मेजर डिफरेंस हो गया। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव को इसी में पढ़ लूंगा, ताप का प्रभाव। देखिए यदि आपने ताप बढ़ाया, यदि आपने क्या बढ़ाया, ताप बढ़ाया है, किसका किसका, धातु का, धातु का यदि आपने ताप बढ़ाया है तो धातु की चालकता कम हो जाती है, मतलब धारा प्रवाहित करने की क्षमता उस धातु की क्या हो जाती है, कम। तो सीधा सा भी आप याद रखिए, ताप बढ़ाने पर धातु की चालकता या धातु की चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, धातु की चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे आप ताप बढ़ाते हैं परमाणु में कंपन गति बढ़ जाती है, परमाणु में क्या बढ़ जाती है, कंपन गति, परमाणु में कंपन गति बढ़ जाती है, कंपन गति से जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगते हैं और चालकता में क्या आ जाती है, कमी। तो धात्विक चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर कम होती है, क्यों, परमाणु में कंपन गति बढ़ जाती है, कर्णेल के इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं, तो चालकता में क्या आती है, कमी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव, यह अपने आप से एक अलग से प्रश्न भी है, एक अलग प्रश्न भी है ताप का प्रभाव। देखिए जैसे आप क्या बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता भी बढ़ेगी। अंतर देखिए आप, ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ेगी, किनकी बढ़ेगी चालकता, आयनिक चालकों की, विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, देखिए जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए NaCl था, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे NaCl का क्या बढ़ेगा, वियोजन बढ़ेगा, NaCl और अधिक टूटेगा, किसमें, अपने आयनों में, तो और ज्यादा से ज्यादा क्या बनेंगे, सोडियम प्लस बनेंगे, क्लोराइड माइनस आयन बनेंगे, तो ताप बढ़ाने से उस पदार्थ के आयनों का वियोजन बढ़ेगा, वियोजन बढ़ेगा तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, और आयनों की जितनी ज्यादा संख्या होगी उस आयनिक चालक की चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये मेजर डिफरेंस था हमारे पास, ये मेजर डिफरेंस था कि धात्विक चालकों में विद्युत अपघटनी चालकों में क्या मुख्य अंतर होता है। तो इनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा, इनमें धारा का प्रवाह आयनों द्वारा, इसमें धारा प्रवाह के कारण रासायनिक परिवर्तन होते हैं, पदार्थ नए बन जाते हैं, इसमें धारा प्रवाह के कारण कोई नया पदार्थ नहीं बनता, धातु धातु ही रहती है, कोई दूसरी धातु में चेंज नहीं होती, पदार्थ गति नहीं करता, इसमें पदार्थ गति करता है, जो आयन है वो धारा प्रवाह के कारण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करने लगते हैं, सोडियम प्लस आयन होता है तो कैथोड की तरफ गति करेगा। ये सबसे अच्छा है, ये अलग से प्रश्न भी हो सकता है कि धात्विक चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है और विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ओके, क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाने से वियोजन बढ़ता है, आयनों की संख्या बढ़ती है, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यह जो चालक होते हैं वो आयनों के द्वारा ही धारा का प्रवाह करते हैं, इसलिए आयन बढ़ेंगे तो चालकता बढ़ेगी। मेन अंतर इन दोनों का शाब्दिक अर्थ आपको सीखना है, दोनों ही चालक हैं, इनमें वो चालक आते हैं जो धातुएं हैं। ठीक है, विद्युत अपघटनी चालक का मतलब, इसका एक नाम और भी था हमारे पास आयनिक चालक, विद्युत
जो ठोस अवस्था में तो धारा का प्रवाह नहीं करते, पर यदि आप उनमें पानी मिला दें, जल मिला दें या उनको गला दें तो उनमें आयन बढ़ जाते हैं और वो धारा का प्रवाह करने लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।